ये देखो ये आपको चोट लगी थी वहां पे, ये देखे इसको चोट, इधर दिखाओ डैडी को, डैडी को बुबू दिखाओ, ये देखो। अच्छा और जो आगे तो बता रहा हाँ शादी में ईशा हाउस, दिस इज हॉट। चलो खाना खा लो। रश था और लेडीज और जेंट्स अलग अलग थे। आहद मेरे साथ ट्राइंग, शी इज नॉट ट्राइंग एट ऑल। बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आज ये है वलीमा का व्लॉग और ये हो गई है 5:15। अब मैं होने लगी रेडी, कपड़े मेरे यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं, अब्दुल्ला के भी तैयार हैं, प्रेस प्रूस हो गए हैं, सब कुछ हो चुका है। खाना खाऊंगी पहले मैं, थोड़ा सा मैंने पकाए हैं घर में चने वाले चावल, ठीक है। अभी वो दम पे लगे हुए हैं, वो दम खोल के खाना खाऊंगी, और क्योंकि फिर शादी पे भी तो खाना खा के जाना चाहिए। कल भी मैं खाना नहीं खा गई थी, मुझे इतनी भूख लग रही थी मैं बता नहीं सकती, और तो मैं मुझे लगता है मैंने ओवर खाना खा लिया था। अच्छा ऐसा है कि आज का जो हॉल है ना, वो हॉल वो वाला है जहाँ पे मेरा वलीमा हुआ था। तो जब से मेरी शादी हुई मैं उस हॉल में पहली दफ़ा जा रही हूँ, तो आज वो एक मेमोरी जो है ना, मेमोरी भी थोड़ी बहुत रिक्रिएट करूँगी, ठीक है। और बाल सोच रही हूँ कि आज मैं बाल जो है ना अपने बांध लूँ, ये तो बाद में पता चलेगा कि बाल बांधूंगी कि खोलूंगी, ठीक है। क्योंकि बाल बांधूंगी तो ये मुंह जो है ना थोड़ा इतना बड़ा वाला वो और बड़ा हो जाएगा, तो क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रही। लेकिन आपकी भी समझ नहीं आ रही कि आप चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करें, चाहे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। क्या है इसमें, क्या मसला है भला, कोई मसला है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में? कोई मसला ही नहीं है। कोई पैसे लगते हैं, कोई टाइम लगता है, ऐसा करके टक करके एक बार रेड बटन दबाना है और उसके साथ जो एक छोटी सी घंटी बजी है वो दबानी है और बस काम हो जाना है। दैट्स इट, मैं भी खुश आप भी खुश, ठीक है। सो जल्दी से जाएँ और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। मैं खाना शाना खा लूँ, भूख लग रही है, और फिर उसके बाद अपने इस जो वो बड़ा है इसका मुँह है उसको मैं थोड़ा सा टिच टैच करूंगी, ठीक है। चलो चावल की शक्ल दिखाती हूँ जरा। हॉट, दिस इज हॉट। चलो खाना खा लो। वेरी नाइस, दिस इज नाइस। चले जी, तो चावलों को लगे फिर दाम, तो मैंने अपना जो है ना, मैंने कहा थोड़ा पंखा वंखा कर दूँ, आवाज नहीं आती थी, तो जब तक चावलों को दम लगा था मैंने अपनी आंखें काली कर ली, यानी ब्लैक स्मोक की आईज मेकअप कर लिया। और आहद यहाँ पे खाना खा रहा है, मैं अपने लिए चावल लेके आई थी लेकिन मैंने कहा चलो ये भी खा ले खाना, क्योंकि ये शादी का खाना नहीं खाता है, इसको नान नहीं पसंद, इसको चीजें नहीं पसंद, ठीक है। तो मैंने अभी अपना आई मेकअप कर लिया, वह ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप डन है, लैशेज वगैरह लगा दी है, बस नीचे से हल्का सा काजल वगैरह लगाऊंगी और वो आई एम डन, और बाकी मेकअप तो मेरा 10 मिनट में हो जाएगा। तो अब बज गए हैं 5:30, नहीं 6:30 हो गए, तो आई थिंक 7:30 तक हम लोग जाएंगे। बाकी का मेकअप जो है सब करूंगी अब, लेकिन पहले मैं इसको तैयार करूंगी, फिर ये रह जाता बेचारा। चलो आओ ना मैं खिलाऊं, मम्मा को खाने दो, इधर दो, आपने नहीं खाना तो मुझे दो स्पून, गिव मी द स्पून प्लीज। नहीं, इफ यू वांट टू ईट देन कम, मेरे हाथ से खाना है। आप सारा वेस्ट करते हो और आप खाते कम हो और गिराते ज्यादा हो। मम्मा भी खाएगी ना। सो यम्मी, सो टेस्टी, वाओ, ईट। से शुक्र है अल्लाह का कि ये कुछ खा रहा है, वरना ये कुछ खाता ही नहीं है। मैं नजर आ रही हूँ,
कैमरा में मैं नजर आ रही हूँ? सो यम्मी सो टेस्टी, ये लो जल्दी चले जिसको खाना खिलाते हैं, खुद भी खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। क्या पानी भी लेके आऊँ बाहर? आज यू वॉन्ट वॉटर? चले जी, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। और जो है क्या नाम है, अब बज गए हैं 7:45, जाना 7:30 था, 7:08 हो गए घर पे, तो अब चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल लुक, ये देखिए। ठीक है, बाकी की जो है वो मैं आखिर दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सब बाय, वेट कर रहे हैं। आहत भी चला गया है, अब्दुल्ला भी चले गए हैं, सब चले गए, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, लाइट टीवी बंद कर देते हैं। और ये फीडर के उठा लेते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, आके मैं कमरा शमरा साफ करूंगी। ठीक है, चलो 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 चलो, वेट करो, वेट आहत, वेट आहत। हाँ, नीचे बैठो, सिट डाउन। वाओ, फाइव लिटिल डकीज, लुक डकी। वाओ, चलो आओ अंदर चले। चलो चलो आहत, चलो इधर 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 आओ, इधर बैठे, इधर बैठे। डकी 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 इज क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग, नो शी इज नॉट क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग एट ऑल। चलें जी, फाइनली हम घर आ गए। और ये देखिए मेरे हाथ में शूज, पैर इतने दर्द हो रहे हैं, बता नहीं सकती। आज ये जूता पहना था मैंने, और इसे गाड़ी पे उतार दिया, और वहां पे एक भी वीडियो का क्लिप नहीं आज शूट किया, बिकॉज इतना ज्यादा रश था और लेडीज और जेंट्स अलग अलग थे। आहद मेरे साथ था, और आहद जो है ना काबू में नहीं आता। तो बस थोड़ा सा आहत से बनाइए वीडियो खेलते हुए, लेकिन फिर वो तंग कर रहा था तो मैंने नई वीडियो बनाई। कपड़े चेंज करते हैं। आपने वहां पे भी मेरा मजाक ये आंखें काली की बुरी लग रही थी मैं तो, फिर क्यों कहा फिर ऐसे? आपको ना सबके सामने बात सुनने की आदत है, बस ये दो चार नज मुझे सबके सामने भी सुनाए है ना। नहीं कहो अब है, से समथिंग क्या? मेरे पैरों में इतनी दर्द, पतंगी होना शुरू हो गई है। फाइनली 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 कपड़े चेंज कर लिए हैं, और क्योंकि अभी 11 ही बजे हैं, तो कपड़े चेंज करने के बाद हमारा दिल कर रहा है कि हम अपनी अम्मी की तरफ चलते हैं। तो हम अपनी अम्मी की तरफ चल रहे हैं, आहत को भी चेंज करा दिए कपड़े। आहत ऐसे जाएगा फुरुक, आहत आहत आपने मुझे वहां कितना तंग किया, ये यहाँ पे कार्टून देख रहा है। और मैं जा रही हूँ, हमारे घर में इतनी ज्यादा स्पेल आ रही ना, क्योंकि हमारे घर में एक अदद चूहा था जिसको हमने दवाई डाली और वो मर गया हुआ है आई थिंक, और अब उसकी बदबू की स्मेल आ रही है। अब पूरे घर में ढूंढना पड़ेगा कि चूहा किधर मर रहा है और किधर नहीं मरा है। वो तो अंकल के काम है, अंकल देखेंगे कि चूहा किधर मरा और कैसे उसको निकालना है और कैसे नहीं निकालना। ठीक है, दुपट्टा लेते हैं और चलते हैं। जूते मैंने स्लीपर्स अपने घर वाले पहन लिए, कपड़े मैंने यही सूट लटका हुआ था ये पहन लिया। अब घर आऊंगी तो मैं दूसरा चेंज करूंगी कपड़े, और अभी कभी तभी आके करूंगी, लेकिन पहले अपनी अम्मी की तरफ चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, तो दुपट्टा इसके साथ देखती हूँ प्रेस है कि नहीं है।
और दुपट्टा तो इसका प्रेस ही नहीं है, तो मैं सोच रही इसको प्रेस कर लूँ, फिर मैं ले रही रहने, तो क्या करना प्रेस करके, तो ऐसे चलते हैं। लेकिन दुपट्टा अभी ऐसे करेंगे तो चुरमुर हो जाएगा वापस से, तो क्या करना है। अगर वैसे तो इतना चुरमुर नहीं, अलमारी में पड़ा हुआ इतना टैर लग के, तो वो कपड़ों के नीचे आ गया था, इसलिए चुरमुर हो गया। चलो चलते हैं, इसको जूता पहना दो, सैंडल पहना। किस पे जा रहे हो? कार पे जा रहे हो? किधर जा रहे हो कार पे? ईशा इधर देखो, इधर मम्मी की तरफ। किधर जा रहे हो ईशा? हाउस इधर सुनाओ, जिंगल बेल सुनाओ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ये देखो, ये आपको चोट लगी थी वहां पे, ये देखें इसको चोट। इधर दिखाओ डैडी को बुब्बू दिखाओ। ये देखो, हाँ शादी में आया एकदम से, मुझे कहता है कि मम्मी आई गॉट बुबू। मैंने इसके ऐसे ऐसे हल्का सा हाथ लगाया होंठ पे, मैंने कहा बुबू है, आई गॉट बुबू। मैंने ऐसे से किया, जब ये दूर गया ना, मैं हीरा बाबी से बातें करी थी, मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया। जब ये दूर गया तब मैंने देखा कि इसकी खून आ रहा है और इसको चोट आई है। चलो ये लो क्या है, क्या है? चलो ठहरो। नहीं मैं ठहरो, वेट कर लो ना, अंदर होगा तो अली जाग रहा होगा तो वो ले आएगा। पीछे से वो भी निकाल ले। चलो आ रहे हैं डैडी, आ रहे हैं, आओ ना, हम दो रोक करें। आ रहे हैं भी डैडी, आ रहे हैं। बस इसको डैडी का पता है कि डैडी के साथ जाना अंदर, आओ इधर, डैडी ना मुझे छोड़ के जाएंगे। Oh, where is daddy? Oh, oh. आ गए डैडी, कॉल डैडी कम। वो बाल के वगैरह अंदर नहीं आ रहा था ना, तो कहते मैं जा रहा हूँ। चलो अब अंदर जाएगा, ये अब अंदर जाएगा आहत। चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो, मैं भी आ रही हूँ। वह देखो कौन आया, ओए who's he? Yes. इशा इस खेला आपके लिए बहुत प्यारा तोहफा एक गाड़ी में प्रिपेयर किया है। आहत ने बहुत प्यारा एक गाड़ी में तोहफा प्रिपेयर किया है, बहुत खुशबूदार। तो कहीं डाइपर है तो इसका डाइपर चेंज होगा। फाइनली हम लोग घर आ गए थे शादी से, तो आ गए थे और उसके बाद आके अपनी मम्मी की तरफ चली गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। वहां से आकर जो है वहां पे आहत बाइक पे सो गया था, ये आहत सो गया था। और फिर वहां से हम आए एक डेढ़ बजे आए हैं, मेकअप उतारा है, कपड़े चेंज किए अगेन, एंड और चूहा भी मिल गया हमारा चूहा मरा हुआ था हमारी पेटी के नीचे, मतलब वहां पे कुछ सामान पड़ा था उसके अंदर। मैं एक मिनट पंखा हल्का कर दू, तो वहां पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने वो सामान चेक किया। जब मैंने वो सामान चेक किया तो मैंने देखा कि उसके नीचे चूहा मरा हुआ था, और मेरा फाइनली जल्दी मिल गया, वरना उसमें घर में इतनी स्मेल आ रही थी, घर बंद है तो घर में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी अंदर की जगह पे कि वो मरा था। तो वो भी शुक्र अल्लाह का जल्दी मिल गया, और वो फेंक भी घूम दिया तो स्मेल भी की ऑलरेडी, थोड़ी घिन भी आ रही थी मुझे। बहरहाल शुक्र अल्लाह का, पता है एक महीना हो गया था, एक महीना उस चूहे ने इतना हमें तंग किया हुआ था कि हम बता नहीं सकते। हमारे किचन में कूद रहा था पर दवाइयां खा खा के भी नहीं मर रहा था, उसको इतनी दवाइयां डाली, इतनी जहर डाला, इतना दवाइयां डाली पर नहीं मर रहा था। खैर फिलहाल छोटा सा व्लॉग था, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन।
शादी किसी की थी और मैंने वहां पे शूट नहीं किया ज्यादा, तो बस इसलिए क्योंकि किसी की शादी थी और वो लोग बहुत ही जरा थे इस तरह से पर्दे पर्दे वाले, तो किसी की प्राइवेसी नहीं जानी चाहिए। हम अपने लिए जो अपनी जिंदगी में जो मर्जी करें, किसी की प्राइवेसी नहीं जानी चाहिए। सो इस वजह से व्लॉग स्टॉप नहीं बनाया वहां पे। होप यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छी लग गई है तो प्लीज बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर दो एंड यस शेयर भी कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो। मुझे मेरे बेटे को दुआ में याद रखना है, अपने अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखना है, मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ समेत फैमिली समेत दुआ में याद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। बाजू में मेरी बहुत दर्द हो रही है और इसलिए मोबाइल मेरा हिल ही जा रहा है कैमरा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।